इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट का उपयोग खरोंच और हेमेटोमा त्वचा के नीचे रक्त का संग्रह के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह रक्त के थक्के के विघटन को गति देता है, दर्द और सूजन को कम करता है। इसका उपयोग आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में किया जाना चाहिए। यह दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए है। इस दवा को लगाने से पहले प्रभावित क्षेत्र साफ और सूखा होना चाहिए। इस दवा को लगाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोना सुनिश्चित करें। थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट आमतौर पर कम से कम या कोई साइड इफेक्ट के साथ उपयोग करने के लिए सुरक्षित है। हालांकि प्रभावित क्षेत्र पर इस दवा को लगाने के बाद हल्की जलन, जलन या लालिमा का अनुभव हो सकता है। यह आमतौर पर अस्थायी होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि यह कम नहीं होता है या लंबी अवधि तक बना रहता है। टूटी हुई त्वचा वाले इस दवा के संपर्क से बचें। यदि आप इसे अपनी आंखों, मुंह या टूटी हुई त्वचा में प्राप्त करते हैं तो खूब सारे पानी से अच्छी तरह कुल्ला करें। थ्रोम्बोफोब मरहम के लाभ। थ्रोम्बोफ्लेबिटिस का उपचार। थ्रोम्बोफ्लेबिटिस एक भड़काऊ प्रक्रिया है जिसमें एक रक्त का थक्का बनता है और एक या एक से अधिक नसों को अवरुद्ध करता है, आमतौर पर आपके पैरों में। थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट दवाओं का एक मिश्रण है जिसका इस्तेमाल आपकी त्वचा की सतह के पास थ्रोम्बोफ्लेबिटिस के इलाज के लिए किया जाता है। यह थक्कों को घोल देता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाकर दर्द और सूजन से भी राहत देता है। यह समग्र उपचार प्रक्रिया में सुधार करता है। ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। स्थिति आमतौर पर कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाती है। हालांकि आपका डॉक्टर दर्द वाले क्षेत्र पर गर्मी लगाने, प्रभावित पैर को ऊपर उठाने, एक ओवर द काउंटर दर्द निवारक का उपयोग करने और संभवतः संपीड़न स्टॉकिंग्स पहनने की सलाह दे सकता है। थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। थ्रोम्बोफोब के सामान्य दुष्प्रभाव। आवेदन साइट प्रतिक्रियाएं, जलन, जलन, खुजली और लाली। थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट का उपयोग कैसे करें। यह दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए है। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में इसका इस्तेमाल करें। उपयोग से पहले दिशाओं के लिए लेबल की जांच करें। प्रभावित क्षेत्र को साफ और सुखाएं और धीरे धीरे मलम मालिश करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।